राम तेरी गंगा मैली फिल्म मंदाकिनी मना रही है शादी की 33वीं सालगिरह। 14 अप्रैल 1990 को उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क और डॉक्टर कागिरु रिनपोचे के साथ शादी कर ली थी। मंदाकिनी की शादी में परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्त ही पहुंचे थे। ये शादी इतनी गुपचुप तरीके से हुई थी कि मंदाकिनी की शादी की न्यूज तक नहीं आई थी। अपनी शादी में एक्ट्रेस ने व्हाइट और रेड कलर का लहंगा पहना था। अपने व्हाइट ब्राइडल लुक को उन्होंने गोल्डन ज्वेलरी से कंप्लीट किया था। उनकी और कागिरु रिनपोचे की जोड़ी बहुत ही प्यारी दिख रही थी। तिब्बती डॉक्टर कागिरु रिनपोचे से शादी के बाद मंदाकिनी ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। मर्फी रेडियो के विज्ञापन में जो बेबी था वो मंदाकिनी के पति यानी कि डॉक्टर कागिरु रिनपोचे ही थे। जी हाँ, 70 और 80 के दशक में मर्फी रेडियो का विज्ञापन हर चौराहे पर नजर आ जाता था। उस मर्फी विज्ञापन के बाद रिनपोचे एक मॉनेस्ट्री चले गए थे और वहाँ बौद्ध भिक्षु बन गए थे। करीब 20 सालों तक वो मॉनेस्ट्री में रहे। उसके बाद उन्होंने मुंबई में तिब्बती पद्धति से लोगों का इलाज शुरू किया। मर्फी रेडियो के विज्ञापन में नजर आने के बाद रिनपोचे ने आगे कभी भी मॉडलिंग नहीं की। तब किसे पता था कि ये मर्फी बेबी एक दिन बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइन मंदाकिनी से शादी करेगा। 1990 में शादी के बाद भी एक्ट्रेस बॉलीवुड फिल्मों में काम करती रही, लेकिन साल 1996 के बाद अचानक से गायब हो गई। मंदाकिनी के दो बच्चे हैं जो कि अब बड़े हो चुके हैं। उनका अब भरा पूरा परिवार है। राम तेरी गंगा मैली फिल्म एक्ट्रेस अब सासू माँ भी बन चुकी है। और वहीं अगर बात करें उनकी बेटी की तो वो माँ की तरह ही खूबसूरत है, जिनका नाम उन्होंने राबजे रखा है। कभी फिल्मी पर्दे पर चमकने वाली मंदाकिनी अब अपनी पारिवारिक दुनिया में बिजी है। 50 साल की हो चुकी मंदाकिनी अब दो बच्चों की माँ ही नहीं बल्कि सासू माँ का दर्जा भी पा चुकी है। जी हाँ, उनके बेटे राबिल अब शादीशुदा है जबकि बेटी राबजे इनाया ठाकुर पढ़ाई कर रही है। बता दें कि मंदाकिनी की बेटी राबजे माँ की तरह ही बेहद खूबसूरत है। राबजे अपनी मम्मी की तरह ही बॉलीवुड एक्ट्रेस बनेगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनके बेटे राबिल की एक्टिंग में रुचि है। हाल ही में मंदाकिनी ने 26 सालों बाद कमबैक किया। एक म्यूजिक वीडियो में उन्होंने अपने बेटे राबिल के साथ काम किया था। वहीं अप्रैल 2021 में मंदाकिनी ने अपने बेटे राबिल की शादी की थी। राबिल ने उनकी बचपन की दोस्त बुशरा भट्ट से शादी की थी। ये शादी पंचगनी में हुई थी जहां मंदाकिनी का पूरा परिवार जुटा था। आपको बता दें मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को मेरठ में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश थे जबकि माँ कश्मीरी मुस्लिम। मंदाकिनी का असली नाम यास्मिन जोसेफ था, लेकिन बॉलीवुड में जब वो लॉन्च हुई तो उनको अपना नाम बदलकर मंदाकिनी करना पड़ा। साल 1985 में मंदाकिनी को राज कपूर ने फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लॉन्च किया था। फिल्म में उनका झरने के नीचे नहाने वाला सीन बहुत चर्चित हुआ था। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट थी और मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई। लेकिन आगे चलकर वो राम तेरी गंगा मैली जैसी कामयाबी दोहरा नहीं पाई। उन्होंने अपने 11 साल के करियर में करीब 40 फिल्मों में काम किया और एक दिन अचानक से इंडस्ट्री से गायब हो गई। मंदाकिनी वैसे अब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। वो आए दिन अपने परिवार की तस्वीरें भी शेयर करती है। मंदाकिनी का अतीत स्याह रहा है। बॉलीवुड में जब वो लीड एक्ट्रेस थी तो उसी दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के प्यार में पड़ गई थी। जी हाँ, एक्ट्रेस को सरयाम यूएई के शारजा स्टेडियम में दाऊद के साथ बैठे देखा गया था। हालांकि मंदाकिनी ने हमेशा दाऊद से अपने संबंधों को नकारा है और हाल ही में उनके म्यूजिक वीडियो के प्रमोशन के दौरान उनसे दाऊद के बारे में सवाल किया गया था तो वो नाराज हो गई थी। अपनी निजी जिंदगी के इस चैप्टर को वो हमेशा के लिए भूल जाना चाहती है। मंदाकिनी अब अपने घर परिवार को संभालने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।